महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा के बुरहानी अस्पताल, रहमानिया अस्पताल, प्राइम क्रिटिकल जैसे अस्पतालों के आईसीयू वार्ड बंद पड़े हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यहां तक कि आईसीयू बंद होने की वजह से जान भी जा चुकी है। ऐसे में कालशेखर अस्पताल को कोरोना पॉजिटिव के इलाज के लिए घोषित किया गया है, मगर अस्पताल के बंद आईसीयू और कालशेखर अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं उस पर नगर सेवक जफर नुमानी ने सवाल उठाए। कालशेखर अस्पताल में एक दिन के कोरोना संक्रमित के मरीज के इलाज के लिए 10,000 रुपये लिए जा रहे हैं। अगर किसी के घर में 3 से 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो वो इतना महंगा इलाज कैसे करेंगे। डोंबिवली के एक अस्पताल का हवाला देते हुए बताया कि जिस तरह से इस अस्पताल में फ्री इलाज हो रहा है, कालशेखर में भी एक दिन के 10,000 क्यों लिए जा रहे हैं। ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर विजय सिंघल को जफर नुमानी ने लेटर देकर मांग की है कि कालशेखर अस्पताल में भी योजनाओं के तहत कोरोना मरीजों का इलाज हो, साथ ही मुमरा कौसा में जिन अस्पतालों में आईसीयू बंद पड़े हैं उन पर कार्रवाई कर इनका लाइसेंस रद्द करने की जफर नुमानी ने मांग की है। सफर भाई, अपने कालशेखर हॉस्पिटल को लेकर सीएमसी कमिश्नर को जो है क्या मांग की है अपने, और ये लेटर किस चीज़ के लिए दिया? हमने मांग ये की है कि जिस तरीके से मुमरा शहर में बल्कि पूरी दुनिया में वबा फैली है, कोरोना नाम की वबा जो फैली हुई है, हमने ये मांग की है कमिश्नर साहब से, क्योंकि शहर के हालात इतने बुरे हैं, लोग खाने को मोहताज हैं, परेशान हैं, लोग पैदल गांव जा रहे हैं, लोग 80-80 साल के अपनी माँ बाप को कंधे पे बिठा करके गांव जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं लोगों, मैंने देखा है कि लोग प्लास्टिक अपने पैरों पर बांध करके जा रहे हैं। तो इतने हालात ख़राब थे तो मैं बहुत दिन से देख रहा था कि भाई हमारे यहाँ एक ये मैसेज आया कि कालशेखर हॉस्पिटल को कोरोना पॉजिटिव के लिए पूरा हॉस्पिटल दे दिया गया, तो हमको लगा कि मुमरा शहर के लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो कालशेखर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जिसका जनरल वार्ड का एक दिन का 10,000 रुपये चार्ज, अगर उसकी फैमिली के 4 लोग एडमिट हो गए तो 40,000 रुपये पर डे का, ऐसा क्या कर रहे हैं? अरे मलेरिया और टाइफाइड की दवा से तो इलाज कर रहे हो तुम। हाँ, दूसरी बात यह है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंडर में एक न्यूयॉर्क हॉस्पिटल आता है डोंबिवली रोड पर जो हॉस्पिटल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की हद में रहने वालों का फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करता है। तो कालशेखर हॉस्पिटल में ऐसी क्या सोना जड़ा है कि एक एक दिन का 10,000 रुपया ले रहा है? और दूसरी बात यह है कि जब उसमें महात्मा ज्योतिबाई फुले योजना है तो उस योजना के तहत लोगों का जिनके पास ऑरेंज और येल्लो कार्ड है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और ऐसी हालात है, आज शहर के सारे हॉस्पिटल के आईसीयू बंद है, प्रेग्नेंट औरत है अगर वो पूरे शहर में चली जाएगी तो उसको कोई हॉस्पिटल लेने वाला नहीं है। जब बार उसको पहले बोला जाता है कि जाके कोरोना का आप जा कर के टेस्ट कराओ, अब ये बताइए कि जो औरत प्रेग्नेंट है ये वो पूरे मुमरा में उसको कोई लेगा नहीं, वो शिवाजी हॉस्पिटल जावे 4 दिन वहाँ पर रहे, जहाँ पर कोरोना का पेशेंट है वहीं पर ये प्रेग्नेंट औरत भी जमा हो जावे, 5 दिन के बाद उसका टेस्ट करेंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें औरत मर गई इसका जिम्मेदार कौन है? शहर के हॉस्पिटलों को मैं वार्निंग दे रहा हूँ, चाहे वो जो भी हॉस्पिटल है जो साल भर करोड़ों रुपया कमाते हैं और जो लैब वाले करोड़ों रुपया कमाते हैं वो अपनी औकात में आ जाएं, सारे आईसीयू चालू होना चाहिए, और शहर के जो डॉक्टर शहर में आकर के बाहर से करोड़ों रुपया लूट लूट करके लेके गए ना, वो तमाम लोग मुमरा शहर में आकर के लोगों का इलाज करना चाहिए। नहीं तो ये आप समझ लीजिए, मैं आपके प्रहार टाइम्स के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये लोग अपनी वो खैरियत के लिए तैयार रहें, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अगर शहर में कुछ भी हुआ, शहर के लोगों को कुछ हुआ तो उसमें जिम्मेदारी आपकी है। जब आप शपथ लेते हैं डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद तो कहते हैं कि हम आपद बला चाहे कोई भी बात हो, कोई भी कैसे भी वक्त हो, हम आपका इलाज करेंगे, आपको शपथ दिलाई जाती है। लेकिन आज शहर में बुरा हाल आया है, शहर में आफत आई है, तो आप लोग तमाम लोग गायब हैं, सारी क्लिनिकें बंद हैं, सारे डॉक्टर गायब हैं, ये क्या मामला है? जफर भाई, इस पे जो आईसीयू बंद है हॉस्पिटल के, इस पे क्या मनपा के अधिकारी को इस लेटर में आपने जिक्र किया है इसके बारे में कि आखिर ये लोग आईसीयू बंद करके क्यों रखे हैं?
मैं आज हमारी प्रभाग समिति में अश्विन मैडम के अध्यक्षता में आज एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैं था, शानू भाई थे, राजू भाई थे, रेहान भाई थे और रूपाली गोटे मैडम थी, फरहाना मैडम थी और वो क्या नाम है, इमरान सुरवे साहब थे और उसमें मनीष जोशी साहब थे, मैं शहरे साहब थे और गोसावी साहब थे। हम लोगों ने उनसे साफ कहा है कि सर ये सारे जितने भी आईसीयू बंद हैं ये सारे हॉस्पिटलों का आप लेटर दीजिए, लेटर दे करके जल्द से जल्द उन जितने भी आईसीयू है उसको सारे का आईसीयू को चालू कराया जाए और तमाम डॉक्टरों को एक लेटर दीजिए जो डॉक्टर यहाँ पर विजिट करते थे ऐसे टाइम पर गायब है। हमने आज उनसे मांग नहीं की है लेकिन आईसीयू बंद है, मनपा के अधिकारी खामोश क्यों है, इस पर क्यों नहीं लेकर गए? मनपा के अधिकारी अगर इसमें खामोश है तो मनपा के अधिकारी इसमें कसूरवार है। अगर मेरी उसको भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर शहर की जिम्मेदारी, आप शहर के जिम्मेदार हैं, अगर हम शहर के जिम्मेदार हैं, हम नगर सेवक हैं तो आप एक ऑफिसर हैं महानगर पालिका के और सारे हॉस्पिटल महानगर पालिका के अंडर में आते हैं तो सर आप लोग उस पर एक गलत उस पर डिसीजन लीजिए और जो लोग नहीं आ रहे उनके हॉस्पिटलों को सील करिए, उस पर कार्रवाई करिए, उनके लाइसेंस को रद्द करिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।